नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को डबल झटका मिला है उन्हें जमानत नहीं मिली है कोर्ट ने सात दिन की ईडी हिरासत में उन्हें भेज दिया है इसके अलावा दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सजा काट रहे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज कोर्ट से जमानत उन्हें नहीं मिली है इस मामले की सुनवाई अब इक्कीस मार्च को होगी एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के एक शिंदे के अगुवाई वाले महाराष्ट्र सरकार के कदम पर जनमत श्रह कराने की मांग की है जलील ने कहा कि नाम परिवर्तन पर निर्णय केवल यहाँ के लोग ही कर सकते हैं दिल्ली या मुंबई में बैठा कोई नेता नहीं कर सकता है केंद्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मांग की थी और इसके अलावा उस्माबाद का शहर का नाम धराशिव करने की मांग की थी और ये पिछले महीने चीज़ को मंजूरी दे दी गई थी नौकरी के बदले जमीन मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी कर रहा है ईडी के अधिकारियों ने राजधानी में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में राजद नेता के आवास पर सुबह साढ़े आठ आड़ बजे छापेमारी शुरू की थी इसके साथ ही एजेंसी ने जाँच के सिलसिले में बिहार के कई शहरों में भी छापेमारी की है नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है यूपी के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने लोक भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पाँच दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी के समक्ष हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया ये मामला उनकी उस व्यापक वार्ता के दौरान चर्चा के लिए आया जिसका उद्देश्य समग्र संबंधों का विस्तार करना था मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है कहीं तेज़ गर्म हवा चल रही है तो कहीं बेमौसम बरसात हो रही है और तो कहीं ओलावृत्ति हो रही है यानी कि ओले गिर रहे हैं भारतीय है, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहने के आसार हैं दिल्ली एनसीआर के एरिया में आसमान आंशिक तौर पर बादलों से घिरे रहेंगे और आने वाले सप्ताह में बारिश की भी संभावना है गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं उधर दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी पश्चिमी और भारत में अधिकतम तापमान के बढ़ने और लू चलने की भी संभावना जाहिर की गई है देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव आने के संकेत नहीं मिले हैं बिहार के सारण जिले में बीफ ले जाने के शक में छप्पन वर्षीय एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई पुलिस ने बताया कि नसीम कुरैशी की पीट पीट कर हत्या करने के आरोप में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है रिपोर्ट में कहा गया है कि सरपंच सुनील सिंह और ग्रामीण रवि साह और उज्जवल शर्मा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच चल रहा है दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है भारत ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया है दस ओवर के खेल में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मजबूती के साथ डटी रही दोनों बल्लेबाजों ने छत्तीस रन का स्कोर लिया है रोहित ने सत्रह और गिल ने अठारह रन बनाकर खेल रहे हैं भारत हालांकि अभी भी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से चार रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में चार रन बनाए थे तीसरे दिन के खेल में सुबह साढ़े बजे शुरू हो जाएगा कोविड 19 महामारी के बुरे दौर पर बेस्ड अपकमिंग फिल्म भीड़ का ट्रेलर जारी कर दिया गया है टी सीरीज ने शुक्रवार को अपने यूट्यूब चैनल पर दो मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो पोस्ट किया है ट्रेलर में साल 2020 के दौरान लगाए गए पहले लॉकडाउन के माइग्रेट वर्कर्स पर पड़े असर के हाईलाइट किया गया है फिल्म में राजकुमार राव और भूमि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास ने घोषणा की है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से किए गए भुगतान पिछले एक साल में तेज़ी से बढ़े हैं यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन देन फरवरी 2023 में 36 करोड़ को पार कर गए हैं यह फरवरी 2022 में दर्ज 24 करोड़ से 50 परसेंट अधिक है इन लेन का मूल्य ले लगभग छः लाख ,00 करोड़ है और इसके अलावा जो फरवरी 2022 में दर्ज किए गए पाँच दशमलव छत्तीस लाख करोड़ से सत्रह परसेंट की वृद्धि है आज हमने आपको बताया कि देश दुनिया में क्या कुछ हुआ बड़ी खबरों के बारे में बताया ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ नमस्कार अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके